हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम बिना बूंदी के और एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक कटोरी चने की दाल ले ली है, इसे हम रात भर भिगो कर रख देंगे। ये दाल को मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था अभी अच्छे से। ये देखिए, ये टूट रही है आराम से। अब इसे हम ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। ये पैन में मैंने देसी घी डाल दिया है, इसे हम गरम कर लेंगे, फिर हम इसमें पकौड़ियाँ तलेंगे। अब जो हमने चने की दाल पीस ली थी, उसकी हम पकौड़ियाँ बनाकर इसमें डालेंगे। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये सारी पकौड़ियों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने एक कटोरी चीनी ली है। जिस कटोरी से हमने दाल को मैयर किया था, उसी कटोरी से हम चीनी को भी मैयर करेंगे। जितनी दाल डाली थी, उतनी ही हम चीनी डालेंगे। और आधी कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे। अब इसकी हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी होने तक इसकी चाशनी बना लेनी है। इसमें फ्लेवर के लिए हम थोड़ी सी इलायची डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अब ये चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये पकौड़ियाँ ठंडी हो गई है, इन्हें हम ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लेंगे। पकौड़ियों को हमने पीस लिए, अब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। अब हमने जो दाल पीस ली थी, ये हम चाशनी में ऐड कर देंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है, तो आप उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देती हूँ। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि दाल चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। अभी ये लड्डू का मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें चांदी के वर्क से और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। अब ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।